जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए, पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव ससंग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी 400 ग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, चार महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से एक माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम लिम सिंह लिम एम रम म हम संत पम म म हम संत संत तम पम पम जम जम सिंह ते राम राम लिम लिम रावे रावे ओम नमः रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि सा करोमि सा। तो भी सब प्रति पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ, अब जल की धारा करके मैं दिन भर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम लिम सिंह लिम जो मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम करो जल बला दीर्घन पंक्ति सह शांति शांतरादि पुष्पांजलि क्षिपेत। अब क्या ले रहे भैया? इसमें से दूध है संपूर्ण शार शरी जल संधेरी बात में समय सुप्रवाहे चीर दिन सूचित सिंच मान संपादय तो मम चित्त समीहिता ने। ओम श्री मम 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 सं सं तम तम पम पम जम श्रीं श्रीं राम राम रीं रीं रावे रावे ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करो मिसा करो मिसा करो मिसा। जय बोलो कचरे वाले बाबा की जय। ओम रेम सिंह अति नरगम सिराति तिशकारी पाशांति निंदा चन्ना अभिषेकम करो मी सा। रवीर नलभगन सार चतु समारे रामोदय वासी समस्त दिगंतराले विश्वग्रते न पैसाजन पुंगवाना त्रैलोक्य पावन महंस पानम करो मी। ओम रेम सिंह मे मरम मम मम हम सम तम पम मम 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 हम मम सम सम तम तम पम पा राम राम श्रीं श्रीं राम राम रीं रीं रावे रावे ओम नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करो मिसा करो मिसा करो मिसा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पशुनाशा दीते जो मूर्ति श्री विश्व शांति पाशुनाथ है सर्वा कृष्णकरा सर्व पापी न रोगोपसर विनाश है सर्व परकृत शिद्रोपसर्ग विनाश है कक्षावडाम नाश है। ओम राम भीम भूम रोम नस्य असी अवसा आचार्य श्री गुप्त नंदी जी गुरुदेव संघ से संघ शत्रु संघ से पूर्ण मात्र से अभिषेक शांति धारा कर्ता परिवार से सर्व स्वावसाय करम सर्व शांति कृष्ण भट्टिम त्या करम सर सा। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं वरम सनातन नमो अरियंतरम रोम सर्व शांतिम तिष्ठम पृष्ठिम त्या करो सर सा। ओम नमो भगवते श्रीपाशम निंद पद्म सहितात्म चक्षु पृथ्वी सात चक्षु सर्वज्ञान सह सर्वजन्नाशय ह्रीं श्रीपाशा तरम सा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम सर्व सनातन नमो अरियंतरम रोम शांतिम तिष्ठम ओम चिंता पाशा तिरेन्द्र नमसा। ओम चिंता पाशा तिरेन्द्र नमसा। ओम चिंता पाशा तिरेन्द्र नमसा। संपूज गानाम प्रतिपालकानाम ये तीन सामंत बोधनानाम एतत् रासत् पुरुषराज्ञा करोति शान्ति।
शांति भगवान जिनेन्द्र, करोति शांति भगवान जिनेन्द्र, करोति शांति भगवान जिनेन्द्र। बोलो चिंतानि पाशांत भगवान की जय। भारत बाबा के दर्शन को कचने ग्राम में आता हूँ, अष्टमवत सकारा जिले आठो द्रव्यो को लाता, चिंतामणि भारत बाबा के चरणों में जी झुकाता हूँ, चिंताएं जिससे दूर करो चिंताएं तरने आता हूँ। ओम रीति अतिशयकारी कचने ग्राम श्रीरा जी चिंतानि पाशनाथ जिनेन्द्र हरगम निरपावती स्वाहा। बहुत बढ़िया भैया, आशीर्वाद आपको और सारा आशीर्वाद हम सबने कचने ग्राम का विराज अतिशयकारी बाबा का। धाव देवी संचितिन राशि पांडु दद्नांगता जिनपति प्रथमां सुधारा संपद्यताम सपदी वांछ सिद्धैना। ओम श्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रं ब्रं हं सं तं पं बं हं सं सं तं तं पं पं झं झं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते तद्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चौबीस प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव संस्थापित भगवती श्रीमती सर्वौषधि अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लवयति पुनिपतिं दिनेदा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हं सं तं पं हं सं सं तं तं पं झं झं शिं शिं रां रां रें रें द्रावय द्रावय। ॐ नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं चतुष्कोणकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रि चन्दनेन जिनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हं सं तं पं हं सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते सर्वचन्द्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। लाल लाल चंदन की धारा लाल लाल, अभिषेक करो तो हो जाओ मालमान, अभिषेक करो तो हो जाओ मालमान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रं ब्रं हं सं तं पं हं हं सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चौबीस प्रभु की पूजा कराई रहे पूजा बाबा के द्वारे झूम झूम के, इंद्र कराई रहे पूजा बाबा के द्वारे झूम झूम के। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रं ब्रं हं सं तं पं हं सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय। ॐ नमो रते भगवते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय 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 हम बोले जय आदि जिनंदा, जय 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 हम बोले श्री शांति जिनंदा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रं ब्रं हं सं तं पं हं हं सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय। ॐ नमो रते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अष्टगन विविधाष्ट सुद्रव्य श्रेष्ठान कर्माष्ट कस्य च हेतु करोमि मिश्रम कुर्वेषु भक्ति सहितम स्नप्नम सुगंधैम हे अष्ट कर्म विजयं राजसूर्य। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हं सं तं पं हं सं सं झं झं शिं शिं द्रावय द्रावय। भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वासंती का जाति सुरेन्द्र वृंदे वधूक वृंदेरप चंपकाते पुष्पेरनेकी परिवेहताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगम्य देह श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे गम्य देह। ओम भीम सुमनः सुप्रदाय प्रश्नग्रमिति स्वाहा। चारोरे चौबीसो जिनवर की मैं तो आरती उतारो रे, चौबीसो जिनवर की जय जय चौबीसो नाथ जय जय हो, जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो, जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो, जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। तद्योजनाक्षत मनो
पातर्पितं प्रतिदिनं महता तरेण त्रैलोक्ये मङ्गलसुखालये कामदाः मारार्तिकं तव विभो रव तारयामि रव तारयामि भक्ति करो गावाज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गावाज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे चौबीसो जिनवर की जय जय चौबीसो नाथ जय जय हो जय जय परमेष्ठि पांच जय जय हो इति श्री मंगलारती उत्तरण करो चतुस्समादेन रामोदवासी समस्त दिगंतरालयेन मिश्रीकृतेन श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा त्रिपुरम् जाति जरा मरण त्रिपुण सरसदर्शन ओम श्री सिद्धिकीर्ति प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमती त्रिशिकारी छपुरक्ष आदिनाथ शांतिनाथ पार्श्वनाथ पदम प्रो चंद्रो वासपुज पुष्पदंत मुनिसुरत नेमिनाथ पार्श्वशंकर जिनेन्द्राय रत्न प्रभुत शुक्र ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि शंकराय घोर उपसर्व सनिंद प्रणाम करो शंकराय कालिता सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुपुरुष सिद्धमुनिसुत मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुखनाशनाय अदराय अमराय अहुवाय चित्रिन ओम संगस्म अविष्ट जीव संपूर्ण वार्षिक अविष्यकर्ता महाशांतिमूर्त विधान प्रदम प्रणवित सन जीवमात्र सन आचार्य गुरुदेव शुक्ल सगळी कृष्ण नाम देव सेवन संग सन मुनि वर्गुप्त गणी आरिका श्रीमत्म गणी आरिका सस्मतय आरिका सुगंधमति मतय शुल्लक धर्म शुल्लक शांति शांति शुल्लक धनिष तीर्थ मतय पढ़ रहे थे कि चार प्रकार का दान जो करते हैं उसका फल क्या होता है। बहुत सुंदर श्लोक था, ज्ञानवान ज्ञान दाने न, ज्ञान का दान करने से, शास्त्र भेंट करने से, जिनवाणी भेंट करने से, अथवा साधु के स्वाध्याय में सहयोगी करने से, उनको डायरी है, नोटबुक है, पेन है, कलम है देना, अथवा उनके लिए अध्यापक की व्यवस्था कर देना, कोई सीखना चाहे तो उसके लिए ज्ञान दान करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञानवानी होता है। जो ज्ञान दान देता है वो आगे जाकर केवल ज्ञानी अर्हत सिद्ध बनता है। निर्व्याधिर भेषज भवेत, और औषध देने से निरोग स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। महाभारत में आता है कि कौरवों ने छल करके भीम को कालकूट विष पिला दिया खीर में मिला करके, लेकिन कालकूट विष पीने के बाद भी सहस्त्र मतलब हाथियों का बल उनके अंदर आ गया, सहस्त्र भट हो गए, वो कई लाख हाथी का बल उनमें आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले खूब औषध दान किया। हरिवंश पुराण के अनुसार जो कृष्ण जी आगे तीर्थंकर बनेंगे तो एकमात्र औषध दान के कारण तीर्थंकर बनने वाले हैं, ऐसा हमारे आचार्य बतलाते हैं। अन्नदाना सुखी नित्यम, और जो अन्नदान करता है हमें सुखी रहता है। निर्भयो भय दानता, और
और अभय दान करने से हमेशा निर्भय होता है, निर्भीक रहता है। इसलिए संत निवास कमरे आदि हमेशा बनवाते रहना चाहिए। इसमें और इसमें आ रहा है, अभयाक्षम सदा देयम पात्रेभ्यो दान उत्तमम अन्यत्रापि यथा योग्यम भय शोक विवर्जनम। रत्न त्रय से अथवा मात्र समदृष्टि से युक्त व्यक्ति पात्र है। जो समय दृष्टि है उसको भी यदि आपने दिया, उसके जीवन का रक्षण करना अभय दान है। यह अभय दान दया प्रधान होने से, अहिंसा का प्रतीक होने से श्रेष्ठ है। पात्र से अतिरिक्त समदृष्टि रहित अन्य जीवों का भी रक्षण करना, उनके भय शोक आदि का निवारण करना भी यथायोग्य करना चाहिए। एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र सभी जीवों के द्रव्यपान भाव प्राणों का रक्षण करना भी अभय दान है। अभय दान में आचार्य क्या कहते हैं, अकेले मुनिराज नहीं, मुनियों के अलावा जो श्रावक हैं, श्रावक भी नहीं है मात्र सामान्य जीव मात्र है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री असंगी संगी पंचेंद्रिय के रक्षण करना भी अभय दान में आता है, जीवों की रक्षा करना। इसलिए बिना काम का पानी नहीं बहाना, पानी नहीं फेंकना, बिना काम के हवा पंखा नहीं चलाना, बिना काम के अग्नि नहीं जलाना, बिना काम के वनस्पति को नहीं तोड़ना, जो आवश्यकता उतना ही करना, बिना काम का नहीं करना, और जहां तक बने उनका रक्षण करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर गौशाला है जीव दया के लिए। और आचार्य देखो कितना इसमें अच्छा आ रहा है, क्या करना चाहिए, तथा राजन महाभवे प्रासाद श्री जिनेशी नाम ध्वजा दिवेर महाशोभा शते कार्य जगतिका। आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर कि आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान के साथ साथ भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति के आयतन हैं, आयतन स्वरूप जो जिनालय हैं, जिन भवन हैं, उन्हें भी अलंकृत करना चाहिए। मतलब सम्यक दृष्टि जी को मंदिर की शोभा बनानी चाहिए, द्वार पर तोरण द्वार वंदन द्वार लगाना चाहिए, अष्टमंगल द्रव्य जिन मंदिर में रखना चाहिए। अष्टमंगल द्रव्य रखने से भी जो अष्टमंगल द्रव्य रखता है, विधान का समय आता है, अष्ट प्रातः अष्टमंगल द्रव्य की स्थापना आप करते हैं, जिससे आपके घर में ही विभव बढ़ता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और आगे समर्षण लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। त्रिलोक सार ग्रंथ में भी अष्टमंगल द्रव्यों का उल्लेख किया है। यहाँ दिया है भीयार कलश दप्पण बियणध चामराधव तमहा सुवैष्ठ मंगलाणीय अठीय सयाणी पत्येयम भृंगार झारी कलश दर्पण व्यंजन पंखा व्यजन ध्वजा चमर छत्र सुप्रतिष्ठ स्वस्तिक के तहत यही अष्टमंगल द्रव्य है। इसी प्रकार सिंहासन अष्टमंगल द्रव्य चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार सिंहासन छत्र चमत था ध्वजा भी चढ़ाना चाहिए। देखो क्या आया इसमें, मंदिर के शिखर पर ध्वजा अवश्य चढ़ानी चाहिए, कहा भी है प्रासादे ध्वज निर्मुक्ति पूजा होम जमापादिकम सर्वम विलुप्यते यस्मात् तस्मात् कर ध्वजोच्चया। जिस मंदिर के शिखर पर ध्वजा नहीं होती है, उस मंदिर रहित ध्वजा रहित मंदिर की गई पूजा प्रतिष्ठा होम जपादि से व्यर्थ जाते हैं, इसलिए ध्वजा अवश्य चढ़ानी चाहिए, ध्वजा होनी चाहिए। इसलिए वाज के बड़े बड़े शिखर बनते हैं, उन पर चढ़ने वाले नहीं चढ़ पाते हैं, इस कारण से आज अपने सीधे मेटल की ध्वजा चढ़ा देते हैं, धातु की ध्वजा चढ़ा देते हैं, कपड़े की ध्वजा। गलिया कोट सागवाड़ा कॉलोनी है राजस्थान में, हम जब वहां पर 98 में गए थे चतुर्मास चित्री करने के पश्चात, तो वहां के अधिकतर जो युवक थे व्यसन की ओर जा रहे थे, व्यसनी, मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना, घर में झगड़े करना, व्यापार आदि नहीं करना। और हम वहां पर गए तो वहां कमेटी के लोगों ने कहा कि हमको हमारे मंदिर में ध्वजा चढ़ानी है, ध्वजा कैसी होना क्या होना। तो वहां पे शिल्पकार को बुलाया, तो शिल्पकार ने देखा कि उनकी जो ध्वजा पुरानी लगी, उसका जो पाटली थी उसकी राक्षस गण उसका आ रहा था, राक्षस गण था, श्वान आए थी, इस कारण से वो श्वान के समान और राक्षस के समान हो रहे थे। फिर उन्होंने वहां की जो पाटली थी उसमें देवगण और ध्वजाए का उसमें गणित डाला और उसको किया गया, तो ध्वजारोहण के पश्चात पूरी समाज के अंदर परिवर्तन आया और धर्म जमा फैला रही है। आज वहां के श्रावक रात्रि भोजन नहीं करते हैं, निर्व्यसनी हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा आहार करते हैं, तो दो चतुर्मास वहां पर हो चुके हैं और तो चतुर्मास चल रहे हैं। देखो आचार्य कहते हैं वसुनदी श्रावक आचार्य में ध्वजारोहण का फल आया है, विजय पड़ा ये हिम नरो संगाम मोहेशु विजयो हो
छखंड विजयना हो निपड़ी बखो जस सिया। जिन मंदिर में विजय पताकाओं को देने से मनुष्य संग्राम के मध्य विजयी होता है तथा छखंड रूप भारतवर्ष का निष्पक्ष प्रतिपक्ष स्वामी और यशस्वी होता है। ध्वजा और छत्र चढ़ाने से वो स्वयं छत्राधिप होता है और ध्वजा चढ़ाने से वो चक्रवर्ती के महान सुख को प्राप्त करता है। जब भी ध्वजा चढ़ाने का मौका मिले ध्वजारोहण करना चाहिए, ध्वजा चढ़ाते रहना चाहिए। अभी यहाँ पर धर्मतीर्थ पंचकणक हुआ तो उसमें ध्वजारोहण करने का अनेक प्रौढ़ सौभाग्य प्राप्त किया। कालस्वरामी को ध्वजारोहण भी किया, उसमें ध्वजारोहण में मुख्य जो ध्वजा है उसको चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे जो भगवान के माता पिता बने थे ललिता लालचंद साहू जी, रविंद्र सुरेन, दिलेश पंकज साहू जी परिवार, पीयू साहू जी सब परिवार ने ध्वजा चढ़ाने का मेन सौभाग्य प्राप्त किया और अन्य ध्वजाओं को अन्य परिवार ने चढ़ाया। इस तरह 5 ध्वजाएं चढ़ी गई और बहुत अच्छा उसका फल होता है। और इसके अलावा क्षेत्रपाल जी के वहां पर संजय पांडवकर्ण ध्वजा चढ़ाई और संत निवास में संजय पपड़ीवाद और शरद जालनापुर की ध्वजा चढ़ाई, तो बहुत सुंदर सुंदर फल उसके प्राप्त होते हैं। और आचार्य कहते हैं यदि आप छत्र चढ़ाते हैं, चमर चढ़ाते हैं, उसका फल क्या होता है? तो कहते हैं छत्ते हिम एय छत्तम भुंजई पुहवी सवत्त परिहीनो चामर दानिनतः विज्जयी चमर विहरणि वहेहिम। छत्र प्रदान करने से मनुष्य शत्रु रहित होकर पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करता है तथा चमर का दान करने से, चावर होते ना, चमर का दान करने से चमरू के समूह द्वारा परिवृजित किया जाता है अर्थात उसके ऊपर चमर ढोले जाते हैं। इसलिए जब भक्तांबर पाठ आता है उसमें चावर का आता है तो लोग ऐसे इस तरह करते हैं, ऐसा अकेले हाथ करने से चावर ढुराना चाहिए। इसी प्रकार सिंहासन चढ़ाने से 3 लोक का प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है। सिंहासन दिया, यहाँ बहुत सारे लोगों ने सिंहासन दान किया, बहुत बड़ा फल उसका है। इस सभी उपकरण वीतराग भगवान के सिंहासन में अवश्य चढ़ावे, इनसे वीतरागता का अभाव अथवा जिनालय में सराग तक प्रवेश नहीं होता है। कोई बोले कि भगवान तो वीतराग ही नहीं रहे सराग हो गए, ऐसा नहीं। जितना उत्तम विभव रहेगा, जैसे आचार्य कहते हैं कि जो हमारा जिनालय है वो समोषण का प्रतीक है और समोषण में सारी वस्तुएं होती हैं। यहाँ पर 14 सिंहासन हैं, सिंहासन 14 आए हैं आप देख सकते हैं। देखिए भगवान विराजमान हैं, भगवान के समक्ष ये 14 सिंहासन हैं, लेकिन उस समय 9 परिवारों ने पुण्य संचय किया है। अभी भी 5 परिवारों को मौका है कि वह अपनी ओर से भगवान को सिंहासन पर विराजमान करने का पुण्य संचय कर सकते हैं। सिंहासन भी उसमें है, भामंडल भी है, छत्र भी है, अशोक वृक्ष भी है, सभी कुछ उसके अंदर है। ऐसा सुंदर वो अतिशयकारी सिंहासन है। आचार्य क्या बता रहे हैं कि जो सिंहासन पर भगवान को विराजमान करता है वो 3 लोक का स्वामी बनता है, आगे चक्रवर्ती बनता है और अरहंत सिद्ध बनता है। ऐसा महान फल होता है, ऐसा विशेष फल हमारे आचार्यों ने बताया है। और जिनकी भावना सिंहासन अर्पण करने की हो वो अपनी ओर सिंहासन दान कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर समोषण का प्रतीक है। इसलिए समोषण में अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य 108 वहां पर होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हर एक महाद्वार जहां आते हैं, क्योंकि 8 भूमियां हैं और 8 भूमि के प्रत्येक भूमि के 4 द्वार हैं, तो 32 द्वार हो जाते हैं। उन 32 महाद्वारों पर चक्रवर्ती के 9 निधियां और 14 रत्न वहां पर शोभा को प्राप्त होते हैं। 32 जगह पर चक्रवर्ती के पास में 1 सेट रहेगा, लेकिन भगवान के पास 32 सेट वहां पर होते हैं, 9 निधि 14 रत्नों के अष्ट प्रातः अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं। तो जिन मंदिर में इनको रखना आगमनुकूल है, वस्तुतः विभूतियों के बीच भी विरक्त रहना शिक्षा देने के लिए ही, उत्कृष्ट वैराग्य को जगाने के लिए ही समोषण को इंद्र ने अनेक प्रकार से डेकोरेशन किया है। पुनः जिनाले यदि सुंदर सुहावन आकर्षक होगा तो उससे अधिक लोग मंदिर में आकर बैठेंगे। यदि मंदिर अच्छा है, मन भावन है, सुंदर है, लोग दर्शन करने आएंगे बैठेंगे, और यदि कुछ भी नहीं है वहां पर तो कितने देर आदमी बैठेगा। आज मंदिरों के अंदर में म्यूजियम बनाया जाता है, जैसे आप अक्षरधाम में जाते हैं, अक्षरधाम में
वहाँ स्वामी नारायण की मूर्ति भी होती है, बगीचा होता है, म्यूजियम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए आदमी निकलता है वहां पहुंचता है तो 3 घंटा पूरा देख करके आता है, है कि नहीं? आप गांधीनगर में हैं, है ना? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि मंदिर को, जिनालय को अधिक डेकोरेट करना चाहिए। यह सम्यक दर्शन के प्रभावनांक का प्रतीक है। इसलिए आत्मगुणों की पुष्टि के लिए अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार भी स्थापित करना चाहिए। अब कल अपन पढ़ेंगे प्रथमा स्थापना का क्या फल है। प्रथमा स्थापना का फल, अभिषेक का फल, पूजा करने का फल, स्तुति जाप का फल क्या क्या होता है, इस बहुत सुंदर आने वाला है, उसको आप सुनना और ध्यान लेना। इतना ही रहने देते हैं। बोलो जिनवाणी माता की जय। भगवान तो एक है, समोह शरण में तीर्थंकर भगवान तो एक है, पर भूमि कितनी होती? 8 होती है। तो 8 भूमि होने से एक भूमि में 4 दिशा में 4 द्वार होते हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, विजय, वैजयंत, तेजंत और पराजित। ये 4-4 द्वार एक दिशा एक कोट के होते हैं और वहां पर 8 परकोटे हैं। तो 8 परकोटे में 4-4 द्वारों से 8 चौक 32 वहां पर महाद्वार हो जाते हैं। तो 32 द्वारों पर 9 निधियां, 14 रत्न होते हैं, अष्टम प्रतिहा, अष्टमंग द्रव्य होते हैं, और वो जो भूमि यहाँ पर होती हैं, श्री मंडप भूमि से गंध कोटी होती है, यहाँ पर और विशेष द्रव्य होते हैं। इस प्रकार से हमारे आचार्य ने बताया है। तो अपन और जानेंगे समझेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। बोलो कोटि वट श्रीपाल महामुनिराज की जय। नरेंद्र भगवान की जय।